ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ठाणे में एक ही परिवार को जश्न मनाना बहुत महंगा पड़ गया। एक ही परिवार के सात लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ठाणे के रहने वाले दुर्गा सदगीर अपनी बेटी की दसवीं पास होने की खुशी का जश्न मना रहे थे। इस जश्न में पास ही मशहूर हनुमान मिठाई की दुकान से मिठाई मंगाई गई और जश्न में आनंद लेकर सभी ने मिठाइयाँ खाई। मगर कुछ देर बाद ही परिवार के सात सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी और संभाजी नगर एक अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। मिठाई में फूड पॉइजन होने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से इलाके में काफी दहशत। ठाणे के नितिन कंपनी के नज़दीक दरिया सागर होटल के सामने रास्ते के काम के दौरान गैस की पाइपलाइन फूट गई। गैस पाइप की फूटने की खबर सामने आते ही खलबली मच गई। एहतियात के तौर पर रोड को खाली करा दिया गया। अग्निशामक दल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और गैस पाइप की दुरुस्त कर दिया गया। मुंबई के विक्रोली में बेहद ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अनियंत्रित होकर एक टैंकर चढ़ गया। इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हैं। चालक और क्लीनर दोनों ही घटना के बाद फरार हो गए। अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्चे की हत्या की निंदा चारों तरफ हो रही है। लोग दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में साध्वी प्राची ने भी पीड़ित परिवार से मिलना चाहा, मगर प्राची को जीवन में ही रोक दिया गया और पीड़ित परिवार से सिर्फ फोन पर बात करा दी गई। प्राची ने दोषियों को भी कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान लोग नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस भी सड़कों पर तैनात थी। नारेबाजी के दौरान पुलिस ने पांच युवकों को बेवजह हंगामा करते हुए हिरासत में लिया है। हत्यारों को सजा जरूरी है और जल्दी से जल्दी मिले। मोमबत्तियों से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं। मोमबत्ती जला करके हम सड़कों पर खड़े हो जाए, उन दरिंदों को तो पेट्रोल डाल करके सरेआम आग लगा देनी चाहिए जो ढाई साल की बच्ची का खून पी रहे हैं। ट्विंकल के हत्यारों को तुरंत पकड़ करके योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत एनकाउंटर करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपराधियों को सजा मिल रही, लेकिन ऐसे ढाई साल की बच्ची का खून पीने वाले दरिंदों का भी एनकाउंटर कराओ। हजारों एनकाउंटर होंगे तो उत्तर प्रदेश में सुख शांति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े एक वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करने के मामले में यूपी पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में प्रशांत कन्नौजिया को गिरफ्तार किया है। प्रशांत कन्नौजिया खुद को फ्रीलांस पत्रकार बता रहा है। लखनऊ हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।